ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेवा सदन द्वारा हमीरपुर जिला के जाहू में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सेवा स्तंभ के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल ने की। इस शिविर में बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी जिला के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में गरीब दलित लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। हमीरपुर जिला के जाहू में सेवा सदन द्वारा एक जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सेवा स्तंभ के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल ने की। सेवा सदन द्वारा हमीरपुर जिला की जाहू में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी जिला के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल ने इस बैठक में गरीब दलित लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल ने सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए कहा कि सभी समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए इकट्ठा होकर सरकार का सहयोग करें। मैं सोहन लाल, सेवा स्तंभ प्रदेश अध्यक्ष, ने आज जिला मीरपुर के मुख्य स्थान पर जाओ के नजदीक एक सेवा स्तंभ के प्रतिनिधियों के सेवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर कि वहां के जिला बिलासपुर, जिला मंडी, जिला हमीरपुर के स्थानीय वासियों ने तथा प्रतिनिधियों ने भारी संख्या में भाग लिया, जिसमें मेरे साथ श्री सुबेदार शेर सिंह जी, हरिदास चौहान जी, करम सिंह चौहान जी, जो इसके वरिष्ठ सदस्य हैं, इन्होंने भी साथ में विशेष तौर पर हिस्सा लिया। सबसे पहले वहाँ पर हमने जो बाड़ी चौकी में बस हादसा हुआ, वहाँ के मृतकों के लिए और बिहार में जो बच्चे, मासूम बच्चे चमका बुखार के जो है उनकी मृत्यु हो रही है, उनकी आत्म शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बताया गया कि जो हम लोग पीछे रह रहे, हमें कई बातों का मालूम नहीं है कि कौन सी स्कीम क्या करनी है, कैसे करना है। जैसे हमको एग्रीकल्चर के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में क्या क्या उसमें गरीबों के लिए योजना है, सिंचाई के लिए योजना है, कितना अनुदान दिया जाता है, इस प्रकार से कई जो बातें हैं हमें मालूम नहीं होता है। जैसे हमारे लिखे पढ़े लड़के हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि नौकरी कब, कहाँ, कितनी पोस्टें कहाँ आई है और उनको कैसे उनको अप्लाई करना है। तो इसके लिए भी उनको जागरूक किया गया, उसको इस बारे में बताया गया कि हमको इसके बारे में भी शिक्षित होना है, ताकि हम समय के ऊपर जो है उस नौकरी को पाने के लिए अपने जो भी कार्रवाई होती है बोर्ड के द्वारा या सरकार के द्वारा, जो फॉर्मेलिटी या जो फॉर्मेट एप्लीकेशन जो मंगवाई जाती है, उसको जो है वो किस प्रकार से समय के ऊपर अपने सभी दस्तावेजों के साथ जो है उसको कहाँ, कब और किस समय जमा करवाना है। हाँ, इस प्रकार से उनको अपने अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया गया कि आपके क्या अधिकार हैं, आपको संगठित होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। वो शिक्षित ये भी नहीं, शिक्षा की किताबें तो शिक्षा पढ़ जाते हैं, लेकिन हमें समाज के अंदर क्या करना है ये भी एक शिक्षा का एक अंग है। इसके बारे में भी सबको जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से कैसे जो है वो हमको संगठित होना है, आपस में तालमेल करना है, जो हमारे समाज के अंदर कुरीतियां हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है। हम जो जितना ज्यादा से ज्यादा धन हमारा आजकल जो है इन बुरे रीति रिवाजों में और कुरीतियों के ऊपर खर्च किया जा रहा है। इससे पूर्व कुल्लू के बंजार बस हादसे में शिकार हुए लोगों की आत्म शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस अवसर पर हरिदास कौंडल, करम सिंह चौहान, चमन लाल, दीप कुमार, रतन सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।